वाली फैमिली, तो मैं आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में। तो आज है अल्हम्दुलिल्लाह से सातवां रोज़ा। तो आशु आज कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी और दिखाऊँगी। तो आप बने रहिए पूरे वीडियो में मेरे। जब हम आ गए मम्मी के घर पे, ये देखो भूरी को कैसा कर रहा है भूरा। भूरा एक ग्रे है ना, इसके नाम भूरा है। ये देखिए मेरे हीरो खड़े यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम उर्दू वाली फैमिली, तो कैसे हो आप लोग। आज बनाने वाला हूँ मैं कुछ स्पेशल, जिसके लिए ये लोगों ने मुझे परेशान कर दिया। हाँ। और क्या स्पेशल है, मैं हर रमजान में बनाता हूँ, वो है वड़ा पाव। आज इसीलिए मैं बाहर नहीं गया, बाहर से कोई इफ्तारी लाने वाला नहीं हूँ, तो आज सिर्फ मैं घर में ही वड़ा पाव बनाने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहिए हम लोगों के साथ और आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे बनता है वड़ा पाव। पाव बाहर से मंगाएंगे, खाली वड़े आप लोग घर पे बनाने वाले हैं। तो आशु बनाएंगे आज वड़ा, तो मैं आपको सब बताऊंगी यूट्यूब वाली फैमिली। तो चलते हैं हम वड़ा की तैयारी करने। तो गाइस, वड़े पाव की सामग्री चालू हो गई है। ये है लहसुन, मिर्ची, अदरक और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें वड़े पाव में जाने वाली हैं। देखिए गाइस, ये रमज़ान का जो महीना होता है इसमें जितना बनाओ उतना कम है, और रमज़ान का एक ऐसा महीना रहता है कि लोग इसमें अपनी अपनी कलाकारी दिखाते हैं। जिसको जो आता वो इंसान बनाता है, चाहे वो लेडीज रहेंगे या जेंट्स रहेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो रमज़ान में अपने अपनी डिशें बनाते हैं और दिखाते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे वड़ा पाव बनाते हैं घर के अंदर, एकदम एक नंबर वड़ा पाव। हाँ। तो बने रहिए हमारे स्पेशल मसालों के साथ। स्पेशल मसाले कुछ नहीं होते, पर हाथ की ऐसा रहता है कि कम ज़्यादा मसाले डालना उसमें, सही उसी का टेस्ट है, और कोई स्पेशल मसाले नहीं होते। हाँ। तो बने रहिए हमारे साथ, अभी आपको दिखाते हैं वड़े पाव। अभी आलू को उबाल दिया है, बॉईल हो गए हैं। हाँ, बॉईल हो गए हैं उसमें। अभी ये इसका मसाला हम लोग ज़रा तैयार कर लें, फिर आपसे मिलते हैं। चलिए, क्या हो रहा है? अभी मैं बटाटे को छील रही हूँ। मेरा काम तुम कर रही हो? हाँ, तो फिर करना चाहिए ना, सब आदमी थोड़ी ना करेंगे, भी औरत को भी करना चाहिए। आदमी रेसिपी बना रहे माशाल्लाह इतनी अच्छी। अच्छा। तो है तो करना बनती है बाबा, तो लोग बोलेंगे देखो पूरा आदमी भी डाल दिए लड़की ने तो। ना यूट्यूब वाली फैमिली। नहीं, अच्छी बात है। अभी गाइस देखो, मेरा मसाला रेडी हो गया है। अभी मैं जा रहा हूँ अभी गैस पे, गैस पे इस पर तड़का वड़का जो लगाने का लगाने वाले हैं। आपको दिखाते हैं, अभी सब तेल वगैरह हो चुका है, ये सामग्री आपको जो दिख रहा है एकदम मुँह के पास मत लाओ, दूर से ही देखा। हाँ। ये है कड़ी पत्ता और ये है राई। दूर से ही देखा। हाँ। चलाने का आशु सब सिखा रहे हैं गाइस। तो मिलते हैं हम फिर माफ करने के बाद। क्या माफ करने के बाद? नमाज पढ़ने जा रही हो, बता रही यूट्यूब वाली फैमिली को। अभी आशु डाल रहे हैं इसमें मसाला, जो आप लोगों को मसाला बताए थे आशु ने, मिर्ची, लहसुन और अदरक। तो अच्छे से आशु थोड़ा भून लेंगे, है ना आशु। इफ्तारी तैयार करते करते असर की अजान का वक्त हो गया है, तो हमने नमाज पढ़ लिया। अभी पूरा आशु ने मसाला वगैरह सब बना के रख दिए हैं, सिर्फ अभी फ्राई करने का बाकी है। तो अभी हम करेंगे फ्राई, तो आप लोग को मैं बताऊंगी। और गाइज, अगर आप लोग वीडियो कहाँ से भी देख रहे हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, ये नहीं कि आप वीडियो देख के चले जाइए। तो आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है गाइज़।
और आज का रोज़ा तो माशाल्लाह, हर रोज़ा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोगों का बहुत अच्छा जा रहा है। आगे भी अल्लाह करे ऐसे ही जाए, सबका अच्छा जाए, बहुत आसानी से रोज़ा जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। और बस यही आपसे बात करना चाह रही थी कि आप लोग कहीं से भी देख रहे हैं हमें, कहीं से भी, तो हमें लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत कीमती है, है ना, हमारा एक लाइक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है। और आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो हम लोग भी आपको अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ मिल पाएंगे, है ना माय यूट्यूब वाली फैमिली। हमारा बन रहा है वड़ा पाव की मसाला, वड़ा पाव का मसाला बन रहा है अच्छे से, सब अलग भेजेंगे नहीं। अभी क्या कर रहे हो? आलू कर रहा हूँ, मैश, तो मैश करेंगे फिर इसके अंदर इसका मसाला डालेंगे। मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का गोल, और यहाँ पे आलू मैश कर रहे हैं वड़ा के लिए आशु भाई। अभी आलू मैश हो गए हैं, अब आ रही है इसमें मसाला मिलाने की, ला मसाला। हाँ अभी मसाला बड़ा रेडी हो चुका है। अभी इसको ऐसा सिर्फ शेप में, गोल शेप में देने का है बड़े को, क्योंकि मैं सही इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाद में फिर ना ये हाथ के जो होल रहते हैं उसके अंदर मिर्ची चली जाती है तो बहुत जलता है, इसलिए गली में, क्योंकि ग्लव्स ख़त्म हो चुके हैं इसलिए थैली से कर रहा हूँ। अभी इसको ये पूरे बॉल्स बना के रेडी कर लेता हूँ, फिर बाद में तेल ये गर्म हो रहा है ढक्कन, फिर उसका ये बैटर है, बैटर में इसको डीप करके फिर फ्राई करना है। वड़ा मुंबई की भाषा में इसको बोलते हैं वड़ा। रेडी हो चुके हैं, अब खाली इसको इसमें बैटर में डाल के खाली इसको फ्राई करने का है बस। अभी देखिए हमारे वड़े बनके हो गए हैं रेडी, और ये हैं रमजान के स्पेशल वड़े माशाल्लाह। रमजान के स्पेशल वड़े हैं, आ जाओ आप लोग भी खाने को भाई। हाँ। आशु के हाथ के वड़े, सिर्फ रमजान में ही वड़े बना था। मजा आती है इसको बुक्के में, पाव के अंदर जो डालते है ना, सूखा सूखा एकदम क्रंची क्रंची लगता है। तो अभी हम खोलेंगे रोजा माशाल्लाह हमारी फैमिली के साथ, तो आ जाइए आप लोग भी रोजा खोलने हमारे साथ, तो मिलते हैं रोजा खोलने के टाइम। वड़ा बहुत अच्छा है माशाल्लाह, खाने में भी बहुत टेस्टी है, तो जोया खा रही है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा बना है। तो कैसा है वड़ा नवाज? मम्मी वड़ा कैसा है? वड़ा पाव तो ऐसा है। हाँ इनको देखो मोहिनी डाल के, आशु तीखा नहीं है वड़ा? अरे मैं टेस्ट के लिए मोहिनी डाल। अच्छा तीखे भी किसे कोई प्रॉब्लम नहीं है माशाल्लाह, बहुत अच्छा बना है, स्पाइसी बना है, अच्छा लग रहा है। आ जाइए फालूदा पीने के लिए। और आप लोगों को कैसा लगा वड़ा पाव? अच्छा लगा वड़ा पाव? छोटी बहनों को आप लोग हाँ जान दो ना, क्या हुआ? अच्छी बात है, आप जी जनाब से बात करने का। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। जी जी तो जी आप बोलिएगा कुछ। देखो जो बनाता है उसको सीधी सी बात, मतलब उसको ठीक है,
माशाल्लाह अच्छा बना होता है दूसरों के मुंह से सुनना। सही बात है, सही में अच्छा बना। अच्छा हां, मुझे बहुत पसंद आया, ज्यादा तीखा भी नहीं, ज्यादा मीठा भी नहीं, ज्यादा पूरे हफ्ते में बहुत अच्छा वाला लगा मेरे को। भी खा ले का हां मम्मी, पूरे अफ्तारी में वड़ा पाव पसंद आया। साल में एक बार बनेगा वड़ा पाव तो ऐसी मजा आएगा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की अफ्तारी हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी कर लिए हैं, सबको वड़ा पाव भी बहुत अच्छा लगा है, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से हो गया है। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का ब्लॉग बताना गाइस, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह, या मैं या कोई भी बना सकता है रेसिपी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, चलिए अल्लाह हाफिज। Thanks. Love you. Forever.